की सरजमी पर मुगलों ने जितने साल राज किया, यहाँ की धर्म संस्कृति और धरोहरों को मिटाने के साथ ही जो बच गया उसका नामकरण भी करते गए, जिसकी गवाह कुंभ नगरी प्रयागराज भी है, जिसका नाम करीब 400 साल पहले मुगलों ने प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। भारत के आजाद होने के बाद भी किसी सरकार ने इस शहर को इसका मूल नाम दिलाने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन इस बार राज्य की कुर्सी जब एक योगी ने संभाली तो ठीक कुंभ से पहले संगम नगरी को उसका प्राचीन नाम प्रयागराज दिला दिया। इस नामकरण के साथ ही एक बार फिर इतिहास बदला और इस बार खुद इलाहाबाद इतिहास बन गया। योगी के इस फैसले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध किया और इस फैसले को परंपरा और आस्था से खिलवाड़ बता दिया, जिन्हें योगी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश के 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम त्रिवेणी का संगम होने के नाते पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, पवित्र सरस्वती, इस त्रिवेणी का संगम होने के नाते यह प्रयागराज कहलाया। जिन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। मुझे लगता है उन लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड से लेकर के और प्रयागराज तक अनेक प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। हर एक प्रयाग में 2 नदियों का पवित्र संगम होता है और इसलिए उस नाम पर वह प्रयागराज प्रयाग बनता है। इन सभी प्रयागों का, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली 2 अत्यंत पवित्र नदियाँ, जिन पवित्र नदियों का स्मरण हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी प्रतिदिन स्नान करते समय प्रातःकाल अपने उच्चारण में उनका स्मरण करता है, गंगा है, यमुना है, ये दोनों पवित्र नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने वाली इन पवित्र नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज। यानी सभी प्रयागों का राजा है प्रयागराज। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है प्रयागराज और इसलिए हमारी सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखकर के इस स्थल का नाम प्रयागराज किया है। योगी के जिस फैसले को लेकर विरोधी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, योगी के उसी फैसले की धमक विश्व पटल पर भी सुनाई दी। जब द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हिंदू राष्ट्रवादी योगी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश के एक शहर का मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू मान्यता से जुड़ा नाम रख दिया है, राज्य सरकार ने शहर के पुराने नाम को फिर से बहाल कर दिया है। इस शहर का पुराना नाम प्रयागराज ही था, जिसे मुगल काल में 16वीं सदी के आखिर में इलाहाबाद कर दिया गया था। तो वहीं ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने लिखा है कि इस बदलाव का मकसद पुराने नाम को बहाल करना है। मुस्लिम शासक अकबर ने 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। इसके अलावा अल जजीरा ने भी योगी के फैसले को अखबार में जगह देते हुए लिखा है कि इस शहर का नया नाम प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम की ओर इशारा करता है, जहां पर जनवरी 2019 में हिंदुओं का कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले 2013 में कुंभ मेले में 10 करोड़ लोग शामिल हुए थे। योगी के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। वहां के अखबार डेली पाकिस्तान ने लिखा है कि भारत आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावों में हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडों को पेश करती है। आपको बता दें कि मुगल शासक अकबर ने 1583 में प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इसके नाम में ए जोड़ दिया, जिससे अंग्रेजी में इसे इलाहाबाद कहा जाने लगा। लेकिन अब इस संगम नगरी को उसके पुराने नाम प्रयागराज से जाना जाएगा। प्रयागराज नाम से 1986 में एक ट्रेन की भी शुरुआत की गई थी, जो इलाहाबाद को राजधानी दिल्ली से जोड़ती है।